हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम आलू के पराठे बनाएंगे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे का डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये हमने गेहूं का आटा लिया है, इसमें हम अजवाइन डालेंगे तो हम थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लेंगे और इस तरह से डाल देंगे और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। आटे को हम पहले मिला लेंगे थोड़ा सा, जिससे कि नमक और अजवाइन मिल जाए। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। यह हमने पानी जो लिया है वो एकदम नॉर्मल पानी है। आटे को हमने एकदम सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है। इसको हम साइड में ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। स्टफिंग बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो हम देख लेते हैं। ये हमने उबले हुए आलूओं को लिया है, धनिया पत्ता कटे हुए, थोड़ा सा अदरक लहसुन को कद्दूकस करके लिया है, हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है और प्याज को भी एकदम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट कर ले लिया है। मसालों में हमने धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हींग, जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। सबसे पहले हम मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। एक पैन लिया है हमने, उसमें एक चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो गया हमारा तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा को हमें बहुत ज्यादा जलाना नहीं है, थोड़ा सा भून लेंगे हम। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन जो हमने कद्दूकस करके लिया उसको डाल देंगे। इसको भी कच्चापन खत्म होने तक भूनेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसको हम चला लेंगे। प्याज को हम अदरक लहसुन के साथ मिला के एक मिनट तक भून लेंगे और अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें जो सारे ड्राई मसाले हमने लिए हैं उन सबको डाल देंगे। क्योंकि अभी हमारा प्याज गरम है तो इसमें मसालों को डाल के मिला लेंगे तो ये हल्का सा पक जाएगा। पराठों के लिए हमारा मसाला बनके तैयार है। ये जो हमने अभी मसालों को तैयार किया है उसको इन आलुओं में डाल देंगे। हरी मिर्चों को डाल देंगे और धनिया पत्ता डाल देंगे हम इसमें। इन मसालों को अच्छे से हम आलू के साथ मिक्स करेंगे। आलूओं को अच्छे से हम मसलते हुए इसको मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें जो भी खड़े टुकड़े हों वो अच्छे से टूट जाएं। क्योंकि पराठा बनाने के लिए अगर आलू के बड़े टुकड़े रहेंगे तो हमारा पराठा फट सकता है। पराठे का स्टफिंग भी हमारा बनके तैयार है। हमारा आटा और स्टफिंग दोनों तैयार है। पराठा बना लेते हैं हम। पराठे के लिए हम इस तरह से लोइयां बना लेंगे। हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे कि ये चिपकेगा नहीं और तेल लगा के सारी लोइयों को हम इस तरह से बना लेंगे। स्टफिंग को भरने के लिए लोई को हम इस तरह से बढ़ाएंगे जिससे कि ये थोड़ा सा गोल बन जाए ऐसा। और इसमें हम जितना बड़ा हमारा लोई है उतना ही बड़ा हम ये आलू का स्टफिंग इसमें लेंगे और अच्छे से ऐसे दबाते हुए। अगर आपको लगे कि ये हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा बर्तन ले सकते हैं इस तरह से और ऐसे करके दबा सकते हैं और इस तरह से हम इसको ऐसे घुमाते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम निकाल देंगे। इस तरह से हम पराठों को भर लेंगे। एक और पराठे को हम देख लेते हैं। इस तरह से हम लोई को बड़ा करेंगे। लोई के ही साइज का स्टफिंग लेंगे। हाथ में थोड़ा सा हम परथा लगा लेंगे। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं।
और इसको हम इस तरह से उंगलियों से बढ़ाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसे दबा दबा कर इस तरह से इसको बना लेंगे। पराठे को हमने अच्छे से स्टफ कर लिया है और इधर हमने एक तवा गर्म होने के लिए रखा है, तब तक हम पराठे को बेल लेंगे। तो इसको बेलने के लिए हम परथन को लगाएंगे अच्छे से, हाथ की सहायता से हम पहले बड़ा कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से बेलन की सहायता से बेल लेंगे। पराठे को हमने बेल लिया है, तवा भी हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो इसमें हम पराठे को डाल देंगे और इसको हम अच्छे से नीचे की तरफ से पहले सिकने देंगे, फिर इसको हम पलटेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो आंच को मीडियम कर देंगे। पराठे को हम पलट लेंगे। पराठे को हम अच्छे से मीडियम हाई आंच पे घुमा घुमा कर इस तरह से सेकेंगे। अब हम इसको एक तरफ से फिर से पलट लेंगे इस तरह से और इसमें तेल लगाएंगे। दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से तेल लगा लेंगे। और पराठे को हम अच्छे से स्पून की मदद से इस तरह से चारों तरफ से चला लेंगे, जिससे कि अगर कहीं से इसका भाप निकल रहा हो तो वो बंद हो जाएगा और हमारा पराठा बहुत अच्छे से फूलेगा। पलट लेंगे हम इसको, दूसरी साइड से भी हम अच्छे से सेकेंगे इसको हम। पराठा हमारा अच्छा सिक गया है तो इसको हम निकाल लेंगे। पराठों को हम अच्छे से दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लेंगे। दोस्तों बनके तैयार है हमारा बहुत ही स्वादिष्ट आलू का पराठा। आई होप कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।